शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इंस्पेक्टर, तुम जानते हो तुमने किस पर हाथ उठाया है? मैं किशनचंद जी का दायां हाथ हूँ। तुम दायां नहीं, बायां हाथ हो, जिससे गंदा काम किया जाता है। आप लोग बगैर किसी डर के जिसे चाहे वोट दे सकते हैं। बेटा, तुमने सही वक्त पर आकर हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कानून की रक्षा करना तो मेरा फर्ज है अंकल। तुमने कानून की नहीं बल्कि आम जनता के अधिकारों की भी रक्षा की है। तुम्हारी तरह हर ऑफिसर अपनी ड्यूटी पूरी तरह अंजाम दे तो यहाँ गुंडों के राज के बजाय जनता का राज हो जाएगा। एक विशेष सूचना, महानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में श्री कृष्णचंद्र चोपड़ा की आदर्श पार्टी 2/3 सीटों से विजय घोषित कर दी गई है। श्री कृष्णचंद्र चोपड़ा सर्वसम्मति से महानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चुन लिए गए हैं। मेयर किशनचंद जिंदाबाद, मेयर किशनचंद जिंदाबाद, मेयर किशनचंद जिंदाबाद। दोस्तों, इलेक्शन से पहले हमारा नारा था, मिलकर लड़ेंगे, मिलकर जीतेंगे। मेयर साहब, मैंने अपने वार्ड में इलेक्शन के लिए 2,00,000 रुपए खर्च किए हैं। ओहो, फिकर मत कीजिए, आपको कॉर्पोरेशंस के तमाम स्कूल्स के टीचर्स को अपॉइंट करने का हक दे दिया जाएगा और आप हर टीचर से 5,000 रुपए वसूल करेंगे। मेयर साहब, मेरा क्या होगा? आपको शहर की तमाम स्ट्रीट लाइट्स का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। आप ऐसा कीजिए, पहले सारी पुरानी लाइटें तोड़ दीजिए, उसके बाद नई लाइटें लगा दीजिए। किशनचंद जी, कहीं ऐसा ना हो कि दूध मलाई सब पड़ जाए और मेरे हिस्से में सिर्फ खुरचन रह जाए। घबराओ नहीं भक्ति प्रसाद, अपने वार्ड में तुम्हें देसी दारू की दुकान खोलने का लाइसेंस मिल जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद किशनचंद जी की। दारू का अड्डा नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, दारू का अड्डा नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। खामोश, तुम कौन होते हो रोकने वाले? अरे भाई, इनके पास लाइसेंस है। हाँ मालूम है, लाइसेंस है। तुम अपने आदमियों को कहीं का भी लाइसेंस दे सकते हो इसलिए कि तुम्हारे पास पावर है। और तुम्हारे पास पावर नहीं है इसीलिए तुम चिल्ला रहे हो? नहीं, मैं उन गरीबों के लिए चिल्ला रहा हूँ जिनकी बची कुची शांति को भी तुम खत्म कर देना चाहते हो। आप तो उल्टी टोपी पहना रहे हैं। दारू का अड्डा बंद करो वरना अंजाम बुरा होगा। शट अप, हम अपना अंजाम खुद अपने हाथों से लिखते हैं। कान खोल कर सुन लो, ये दारू का अड्डा यहाँ खुलकर रहेगा। नहीं, यह दारू का अड्डा नहीं खुलेगा। अरे क्या देखते हो, मरो इनको, मरो, मरो इन लोगों को, धक्के दो। अंकल, ये क्या झगड़ा है? सुनील, ये भक्ति प्रसाद गरीबों की बस्ती में दारू का अड्डा खोल रहा है। इंस्पेक्टर, इनके पास लाइसेंस है, इसके बावजूद भी ये जबरदस्ती यहाँ फसाद खड़ा करना चाहते हैं। लाइसेंस दिखा दो। देखिए सर, ये देखिए, ये लाइसेंस देखिए, ये कानून की आड़ लेकर यहाँ भूख और तबाही लाना चाहते हैं। हम यहाँ दारू का अड्डा खोलने नहीं देंगे। अंकल,
ये जो भी कर रहे हैं गैर कानूनी नहीं है। इनके पास लाइसेंस है, आपको इन्हें रोकने का कोई हक नहीं। क्या तुम भी इनकी तरफ से बोलने लग गए? मैं सिर्फ कानून की तरफ से बोलता हूँ और कानून की रक्षा करता हूँ, जो मेरा फर्ज है। आपसे भी मेरी सलाह है कि आप भी कानून मत तोड़िए। ये डिफेंस लॉयर अभी तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। योर ऑनर, उनके पास मुकदमा लड़ने के लिए कोई पॉइंट ही नहीं होगा तो क्या मुंह लेकर अदालत में हाजिर होंगे? हाजिर है योर ऑनर, डिफेंस लॉयर हाजिर है। देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं जज साहब। दरअसल बात यह है कि आज इतने बड़े वकील के साथ मुकाबला है ना, तो आशीर्वाद लेने के लिए दुर्गा माँ के मंदिर गया था। आप प्रसाद लेना चाहेंगे पीपी साहब? मंदिर का प्रसाद अदालत में नहीं लाया जाता योर ऑनर। गुस्सा की माफ योर ऑनर, ये अदालत भी तो इंसाफ का मंदिर है, और फिर भगवान का प्रसाद कहीं भी लाया जा सकता है। आप मुकदमे की पैरवी करना चाहेंगे या नहीं? जरूर करना चाहूंगा योर ऑनर। मैं आपके सामने न कोई गवाह पेश करूंगा न कोई सबूत पेश करूंगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि क्या पीपी साहब ये जानते हैं कि शराब की दुकान कहां पर नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल जानता हूं। जहां पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या स्कूल हो, वहां पर शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, अब ये बताइए कि कानूनन इन सब जगहों से शराब की दुकान कम से कम कितने फासले पर होनी चाहिए? 100 मीटर के फासले पर होनी चाहिए। करेक्ट, ये पॉइंट नोट किया जाए ऑनर। अब आप ये बताइए कि जिस शराब की दुकान का ये मुकदमा चल रहा है, वो शराब की दुकान मंदिर से कितने फासले पर है? फासला कैसा, वहां पर कोई मंदिर है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं पीपी साहब, उस शराब की दुकान से दुर्गा माँ का मंदिर 100 मीटर के फासले के अंदर है। ये झूठ है योर ऑनर। डिफेंस लॉयर धर्म और मंदिर का झूठा सहारा लेकर इस केस को नया मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज सुबह खुद उस शराब की दुकान पर जाकर आया हूँ। योर ऑनर, लोग सुबह सुबह दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं, लेकिन हमारे पीपी साहब सुबह सुबह शराब खाने जाते हैं। शायद इसीलिए इन्हें नशे में वो मंदिर नजर नहीं आया। ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं योर ऑनर। मैं फिर से कहता हूँ कि वहां पर कोई मंदिर नहीं है। वहां पर मंदिर है पीपी साहब, मैं अभी अभी उसी मंदिर से पूजा करके आ रहा हूँ। ये देखिए, माथे पर लगा हुआ तिलक माता के मंदिर का कुमकुम है, और ये कान में लगा हुआ फूल माता के चरणों का प्रसाद है। ये गलत है, झूठ है, वहां पर कोई मंदिर नहीं है। वहां पर कोई मंदिर है या नहीं, ये आप खुद उस जगह चलकर देख लीजिए, तो असल साफ नजर आ जाएगी और अदालत को फैसला करने में आसानी होगी। ठीक है, हम खुद वहां चलकर देखेंगे। आइए जज साहब, ये रही दारू की दुकान। जी हाँ। और ये रहा मंदिर। ये, अरे ये मंदिर कब बना? बहुत पहले से है, बहुत पहले से। अरे बहुत पहले से बना होता तो मुझे नजर नहीं आता था। अरे भाई, दारू का धंधा करने वालों को वैसे भी मंदिर नजर नहीं आता। शराब की दुकान से मंदिर तक की दूरी नापो। यस। आइए जज साहब, देवी के दर्शन करें। सर, शराब की दुकान से मंदिर की दूरी 99.5 मीटर, यानी 100 मीटर के अंदर है, जो काबिल एतराज है। हुजूर, 0.5 मीटर की गलती भी हो सकती है, ये दूरी फिर से नापी जानी चाहिए। इलेक्शन जब आप 5 वोटों से जीते थे, तब तो आपने ये नहीं कहा था कि 5 वोटों की गलती हो सकती है, गिनती फिर से होनी चाहिए। अदालत मिस्टर भक्ति प्रसाद को हुक्म देती है कि 12 घंटे के अंदर अंदर वो अपनी शराब की दुकान यहाँ से हटा लें। भाई क्या है, ये फूल देवी का प्रसाद है, शायद इसकी महिमा से आप अगला केस जीत जाए। आइए। हेलो शारदा, हाउ आर यू? ठीक हूं, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। अच्छा ये बताओ, आज दिन क्या है? अरे भूल गई, आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। चलो अब हम अपना खेल खेलते हैं। ए शारदा, कहाँ खो गई? चलो निकालो सिक्का, कम ऑन। सर क्यों भाई, मुलाकात का समय खत्म हो गया? नहीं साहब, ये चिट्ठी दी है सुपरिटेंडेंट साहब ने आपके लिए। ओह थैंक यू। लो शारदा,
एक और खुशखबरी सुनो, जो रिहाई तुम्हें 6 महीने बाद मिलने वाली थी वो अगले महीने ही मिल रही है। तुम्हें खुशी नहीं हुई? खुशी? कैसी खुशी? अब तक मैं इस जेल के 4 दीवार में अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। इन दीवारों के पास मेरे ऊपर ताने कसने के लिए जुबान नहीं है। इन सलाखों के पास मुझ पर उठाने के लिए उंगलियां नहीं है। मगर जब मैं रिहा होकर बाहर जाऊंगी तो दुनिया वालों के जहरीले तीर जैसे ताने सुनने पड़ेंगे। सैकड़ों नफरत भरी उंगलियों का सामना करना पड़ेगा। नहीं शारदा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारी तरफ उठने वाली तमाम उंगलियों को मैं तोड़ कर रख दूंगा। तुम्हें गुनहगार और मुजरिम कहने वालों की जबान काट लूंगा। तुम फिक्र नहीं करना, बिल्कुल फिक्र नहीं करना।